बताओ सभी लोग, ये तीनों क्वेश्चंस पढ़ो और इनमें क्या कौन सा पार्ट गलत है उसको कैसे सही करें ये बताओ। लिया सबने? अब देखो यहाँ पर समझना, ये जो हमारा लिखा हुआ सेंटेंस है, इनमें से पहले सेंटेंस में आप देखोगे कि हमने यहाँ पर एक दैट लिखा और एक हु लिखा। हमने पढ़ा था कि जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड होते हैं वो खुद ही कंजंक्शन बन जाते हैं, तो उनके साथ हमें कोई दूसरा कंजंक्शन दैट वगैरह लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमने आस्क वर्ब लिखी है तो आप समझ सकते हो कि डायरेक्ट नरेशन में एक क्वेश्चन रहा होगा। तो हमने पढ़ा था क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट कंजंक्शन का नहीं यूज करते। अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम इफ या वेदर कंजंक्शन लिखेंगे, अगर क्वेश्चन डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से स्टार्ट होगा तो वो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड ही कंजंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हु है ना ये खुद ही कंजंक्शन बन जाएगा, इसको हमें दैट की जरूरत नहीं है, ये हटा दीजिए। ठीक है, तो जो हमने दैट लिखा है इसकी हमें जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। ठीक, तो बी पार्ट में एरर कर। दूसरे में देखो, द स्टूडेंट आस्क्ड हिज टीचर व्हेन कुड ही गो होम। अब हमने क्या पढ़ा था कि ये जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स होते हैं जब हम इनको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं तो ये कंजंक्शन बन जाते हैं, तो ये हमारा कंजंक्शन बन गया। अब कंजंक्शन के बाद आप क्लॉज लिखोगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर हेल्पिंग और मेन वर्ब आएगी। अब अगर हम कभी भी कोई सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज लिखते हैं ना तो हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती है। असर्टिव फॉर्म का मतलब पहले सब्जेक्ट फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो जो ही है ना ये पहले आना चाहिए था, कुड बाद में आना चाहिए था, तो इसको ऐसे लिख दो। तो लिखो व्हेन ही कुड गो होम, ये हो गया। अगला देखो, मोहन टोल्ड दैट ही वॉज टू बिजी टू प्ले देन, जैसे हमने लिख दिया मोहन टोल्ड दैट ही वॉज टू बिजी टू प्ले देन। अब आप सबको ध्यान होगा कि हमने ये पढ़ा था कि अगर कभी भी हम टोल्ड वर्ब लिखेंगे तो उसके साथ ना हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लिसनर लिखना पड़ेगा, जैसे टोल्ड मी, टोल्ड देम, टोल्ड यू, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिसनर मेंशन हो तो फिर सैड वर्ब भी लिखनी चाहिए। तो इसीलिए हमने पढ़ा था कि जो सैड टू होता है उसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन अगर केवल सैड लिखा होता तो हम उसको सैड ही छोड़ देते हैं, यही पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो, हमने टोल्ड तो लिख रखा लेकिन उसका लिसनर नहीं मेंशन किया, तो अगर यहाँ पे कोई लिसनर मेंशन होता, मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड यू, मोहन टोल्ड देम, ऐसा कुछ लिखा होता तो ये सही हो जाता। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं है, तो या तो हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें टोल्ड के बाद, और नहीं तो टोल्ड हटा के इसकी जगह सैड लिख दो, टोल्ड हटा के इसकी जगह सैड लिख दो, मोहन सैड दैट। तो ए पार्ट गलत है। तो ये इस तरीके के पेपर में हमारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ये हमने नरेशन में डिस्कस किया, हालांकि पहले भी डिस्कस किया होगा लेकिन ये नरेशन में भी डिस्कस किया, तो आगे से ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो सही कर लेना। चलो एक क्वेश्चन और, ठीक है, अब आंसर बताने। तो यहां देखो, ये जो हमने लिखा है इनडायरेक्ट में, ये हमने लिखा हैड नॉट स्टॉलन, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो अब हमें पता है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसको भी चेंज करके हमें पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। पास्ट परफेक्ट जो होता है वो भी पास्ट परफेक्ट ही रहता है, और पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो भी पास्ट परफेक्ट ही बन जाता है, तो ये तो हमें पहले से ही पता है। तो अगर हमें ये जो तीन हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, इनमें से किसी का भी वॉइस चेंज नरेशन चेंज करना हो तो हम वही लिखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, द बॉय सेड दैट ही हैड नॉट स्टोलन द वॉच। लेकिन अभी हमें क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनाना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। तो वो जो ऊपर इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, उसका हमें बताना है आंसर इनमें से कौन है, तीन में से कौन सा आंसर है। एक मिनट का समय है, जिसको जितना भी सोचना समझना है सोच समझ के आंसर बताइए। एक चीज समझना, सिंगल इवेंट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख नहीं सकते, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस तभी यूज किया जाता है जब हमें पास्ट ऑफ पास्ट पर रेफर करना हो। तो ये जो हमने लिखा ना आई हैड नॉट स्टॉलन द वॉच, तो ये गलत है, इसको हटा दीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस सिंगल इवेंट्स के लिए नहीं यूज होता, तो ये गलत हो गया। अब या तो हम हैव नॉट स्टॉलन लिखे या डिड नॉट स्टील लिखे, तो अब एक पास्ट इंडेफिनिट है और एक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। अब होता है क्या कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, दोनों पास्ट के एक्शंस होते हैं, ठीक। अगर हम पास्ट के किसी एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करें, मान लो पास्ट का कोई एक्शन है और हम उसको प्रेजेंट की सिचुएशन से रिलेट करें, प्रेजेंट में वो इंपॉर्टेंट हो, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अदरवाइज अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ और हमें केवल बताना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब पास्ट में हुई कोई घटना हम किसी पर्सन को जिसको वो अननोन हो, नहीं पता हो, हम इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, एज अ पीस ऑफ न्यूज, ऐसे कोई न्यूज के तरीके से, तो भी हमें उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना चाहिए।
जब हम किसी पर्सन को प्रेजेंट में एनलाइटन करते हैं, उसको कोई बात ऐसी बताते हैं जो वो नहीं जानता है, ठीक है, द होल न्यू इन्फॉर्मेशन जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक है, दे हैव किल्ड द किंग, ठीक। तो ये एक तरीके से लोगों के लिए न्यूज़ हो गई जो उनको पता नहीं थी, बट नाउ दे नो इट आपके बता देने के बाद में। तो अगर आप प्रेजेंट में किसी पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, उसके किसी ओपिनियन को करेक्ट करना चाहते हो, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करना चाहिए, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा सही, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनको ध्यान में रखते हुए अब बताओ कौन सा सही, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान से देखना लिखा क्या है, आई हैव नॉट स्टॉलन द वॉच, मैंने घड़ी नहीं चुराई है। ये बात कही जाने प्रेजेंट में इंपॉर्टेंट होगी या नहीं, इसका प्रेजेंट में कोई इंपॉर्टेंस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि कोई पर्सन होगा उसको ब्लेम किया जा रहा होगा, उसको चोरी का आरोप लगाया जा रहा होगा, तब वो सफाई दे रहा होगा और लोगों को कन्विंस करना चाह रहा होगा कि वो समझे कि चोरी उसने नहीं की है। तो अगर हम किसी पर्सन के प्रेजेंट में जो ओपिनियन है उसको अल्टर करना चाहते हैं, उसके ओपिनियन को बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना चाहिए। तो आंसर हैव नॉट स्टॉलन, ये गलत है, ठीक है, एक तरीका हो गया। एक और क्वेश्चन छोटा सा हम लोग देख लेते हैं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा फिफ्थ, वर यू इल। अब देखो क्वेश्चन फिर से वैसा ही है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई खास अंतर नहीं हुआ। यहां पर हमारे पास एक डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया हैड बीन, ठीक। अब हमें उसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते समय हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखें, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखें, बताओ। होता क्या है कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हम पास्ट परफेक्ट बना देंगे, ठीक है। लेकिन अब हम कह रहे हैं ऐसा नहीं करना, हमें उल्टा करना है, हमें इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नहीं बनाना, वो तो आसान है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाना है। तो अगर मान लो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो, दे आस्क्ड हिम इफ ही हैड बीन इल, तो जो हमने इफ ही हैड बीन क्लॉज लिखी है ना, इफ ही हैड बीन इल, इस क्लॉज में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है। तो इस पास्ट परफेक्ट टेंस को हमें कैसे लिखना चाहिए, डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट लिखना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट लिखना चाहिए या पास्ट परफेक्ट लिखना चाहिए, बताओ जल्दी से। देखो पास्ट परफेक्ट आप लिख नहीं सकते, सेम लॉजिक, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट ऑफ पास्ट होता है, उसका यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई एक्शन किसी दूसरे से पहले हुआ, तो उसकी वजह से ये गलत, ठीक। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ गए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी डिफरेंस होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका टाइम होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट, और पास्ट इंडेफिनिट का टाइम होता है पास्ट। तो जिस पर्सन से हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वो उस समय बीमार होगा या नहीं होगा, ये हमें सोचना है, बताओ। अगर हम किसी से पूछें कि भाई कोई पर्सन है मुझसे हालचाल पूछे उसकी बीमारी के बारे में, तो वो उस समय जिससे हम पूछ रहे हैं क्या तुम बीमार हो या नहीं, वो उस समय बीमार होगा जब हम उससे पूछ रहे हैं या नहीं होगा? उस समय नहीं होगा, क्योंकि अगर उस समय होगा तो हमें तो पता ही होगा कि ये बीमार है, तो हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब हम ये जानना चाह रहे होंगे कि पास्ट में बीमार था या नहीं था, ठीक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, ये सही हो गया। तो कुल मिला के जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वॉइस नरेशन में कुछ तो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। तो जैसे हमें पता है कि अगर कोई पर्सन किसी से पूछ रहा है बीमार होने के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस समय बीमार नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बीमार होगा तब तो हम जान ही जाएंगे बीमार है अगर हम उससे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का हम ये जानना चाह रहे होंगे पास्ट में बीमार था या नहीं, ठीक। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये हो गया। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं नरेशन के, इनको भी ध्यान रखना। बाकी चलो आगे आंसर, अगर मान लो हमारे डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, तो हम उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे? तो देखो एक दो, ठीक, द टीचर सेड टू अस डू योर होमवर्क ऑन योर ऑन, अपना होमवर्क अपने आप करो, टीचर ने हमसे कहा कि अपना होमवर्क अपने आप करो, तो एडवाइस हो गई, ऑर्डर भी हो सकता है। अगला पढ़ो, शी सेड टू द किड्स स्विच द टीवी ऑफ नाउ, अब टीवी बंद कर दो, ये ऑर्डर है, उसको तो हम एडवाइस भी मान सकते हैं, ये ऑर्डर ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका नरेशन चेंज करते हैं, देखो कैसे करेंगे। द टीचर एडवाइज्ड अस, ठीक है, द टीचर एडवाइज्ड अस लिख दिया। अब उसके बाद ये जो टू डू लिखा, डू लिखा ना, ये हमारा
इंपेरेटिव सेंटेंस की वर्ब है तो हम इसको इन्फिनिटिव बना देंगे. द टीचर एडवाइज्ड अस टू डू आवर, क्योंकि ये जो योर है ना सेकेंड पर्सन है, इसको चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अस के अकॉर्डिंग तो ये आवर हो जाएगा. टू डू आवर वर्क ऑन आवर ऑन. तो वही बेसिक सी बातें ध्यान रखनी है कि ये जो योर है ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अस है, अस के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो ये आवर हो जाएगा. और ये लोग चेंज हो गए. द टीचर एडवाइज्ड अस टू डू आवर वर्क ऑन आवर ऑन. टीचर ने हमें अपना होमवर्क अपने आप करने के लिए कहा. होमवर्क लिखना था, गलती से वर्क रह गया. लाओ मैं इसको सही कर दूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा. टू डू आवर होमवर्क ऑन आवर ऑन. ठीक है, अगले पे देखो. नेक्स्ट हमने लिखा शी सेड टू द किड्स, शी ऑर्डर्ड द किड्स. ठीक है, शी ऑर्डर्ड द किड्स टू स्विच द टीवी ऑफ देन. ठीक है, तो ये जो नाउ है इसका देन हो जाएगा और ये स्विच का टू स्विच हो जाएगा. बस she ordered the kids to switch the TV off then. ठीक, ये हो गया. अगला देखो,